गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माई सेल्फ दीपक जाजू बीटेक फ्रॉम आई टी बी एच यू डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हेक्स नवोदन फाउंडेशन आल्सो एच ओ डी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं 15+ ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ और अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। और जेई नीट जेई आई टीज एंड आई टीज वगैरह सब में सेलेक्ट कराने की कोशिश करूँगा। ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज अपना लेक्चर है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। मैथ्स में अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है मैथमेटिक्स के लिए, नोट डाउन कर लेंगे 7607007012। इसको नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरीज है बुकलेट में डीपीपीज में, तो सारे सॉल्यूशन आपको सेंड किए जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डू गुड। ओके नंबर नोट कर लें, ये बहुत नेसेसरी है। व्हाट्सएप नंबर है ये कोचिंग का और ये नंबर है डाउट क्लियरिंग ओनली फॉर मैथ्स सेक्शन। अदर सब्जेक्ट्स के लिए अदर नंबर्स हैं, वो आपको नोट कर लें। और बाकी रूल्स रेगुलेशन आप ऑलरेडी जानते हो कि रिस्पॉन्स करना कंपलसरी है। तो लास्ट लेक्चर में अपने क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, आज अपने उसको रिवाइज करेंगे और बेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। ओके गुड 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 ठीक है। तो देखें कितने लोग स्टडीज़ करके आए। मैं हर बार मेरी हैबिट रहती है कि मैं आपकी चेक करता रहूं कि आपने कितना स्टेट सीखा, क्या जाना क्या नहीं जाना, और धीरे धीरे डाउट्स क्लियर ये समझ जाएं। मैथ्स में आपकी समस्याएं ज़्यादा हैं क्योंकि एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड आईटीजेई के स्टैंडर्ड से और मैथ्स के खासकर बात करूँ कम है। तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको समय एक्स्ट्रा बचाना है ताकि आप वो सब सीख पाओ जिससे लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए। ओके तो ये नंबर नोट कर लेंगे और शुरू करेंगे विदाउट समय लॉस किए बगैर आज का अपना शानदार लेक्चर। ठीक है सबसे पहला सिंपल है एलन एक्स इंटू वाई इजकल टू एलन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट वी विल चेक then we will decide what we have to do in next problem. Okay? कॉपी अपना कॉपी रजिस्टर रफ कॉपी लेके बैठे प्रॉब्लम्स ट्राई करते रहे। मैं फिर नए बंदे भी नई गर्ल्स भी ऐड हुई है उनको भी ये बता दूँ कि आपको 2-3 चीज़ें करनी है। मैं नए नए हैं इसलिए मैं बताना ज़रूरी। सबसे पहली चीज़ सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट्स बनाना है। ठीक है आपको नोट्स बनाना है जो मैं क्लास में स्टडीज़ करा रहा हूँ। सेकंड थिंग डीपीपीज के रफ सॉल्यूशन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनकी एक रफ कॉपी अलग से मेंटेन करनी है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है उनके हिंट एंड सॉल्यूशन सेपरेटली एक कॉपी में नोट करना है। तो 3 कॉपी होगी आपके पास, फर्स्ट कॉपी नोट्स के लिए, सेकेंड कॉपी आपके पास ये बड़ी काम की कॉपी है, ये आपको लास्ट में सेलेक्ट कराएगी सबसे ज़रूरी। जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर तब आपको क्विक रिवीजन उस नोट से मिलता है। सेकंड थिंग आपको रफ कॉपी हमेशा चाहिए। थर्ड वो क्वेश्चन जब आप रिवाइज करते हो गुड क्वेश्चंस तो हिंट क्वेश्चन मिलने चाहिए क्योंकि भूलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है हर दिन मैं नई बातें बताता रहूँगा। फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर देना शुरू करो। ठीक है सबके लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और जो भी नई गर्ल्स ऐड हुई है वो याद रखें, नई गर्ल्स भी ऐड हुई है वो भी समझ जाएं कि आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ऐप में जाएंगे पिछले 2 लेक्चर्स आप संडे की क्लास संडे के गैप में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है नहीं और एक और है रेगुलरली आना ज़रूरी है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शंस नहीं होता, बहाने मारने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग लेट आए टाइम नहीं किए क्लास नहीं किए ये वो, ये मैं बताता रहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट ऑलवेज ऐसा करते रहते हैं। ठीक है फर्स्ट प्रॉब्लम का डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, वाई इजकल टू अपना प्रॉब्लम है वाई इजकल टू एल एन एक्स इंटू ई की पावर
टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। रिवाइज कर लेते हैं इसका रूल को, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले y डैश हमें फाइंड करने का है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी। रिवीजन है पहले, हमेशा आदत रहती है लास्ट क्लास को मैं रिवाइज करूं। वन अपॉन x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। फिर मैं बता दूं, बार बार ये बातें बोलता रहूंगा अभी, क्योंकि डेली नई नई गर्ल्स ऐड हो रही है तो उनको पता नहीं है, तो मैं बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को लेके चलने वाला हूँ। तो बात करते हैं अब स्टडीज़ पे, सिंसियर हो जाते हैं, अब लगभग स्टेबिलिटी आ गई है क्लास में। एल एन एक्स का वन बाई एक्स, ई का पावर एज इट इज। अब एल एन एक्स एज इट इज, ई की पावर का होगा, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स, और पावर का होगा 10 का सेकंड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना 2x। वेरी इजी, गुड गुड गुड। तो मुझे लगता है सबको आ गया है, सबने कर लिया है पहला प्रॉब्लम। जो लेट आए घबराए नहीं, उनके लिए फिर मौका मिलेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स है आज अपने पास, इजीली अपने बना भी पाएंगे। ओके, तो सबने बना लिया है, मैं देख रहा हूँ बना लिया हो तो यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यस मतलब वाई लिख दिया करो, इतने में ये बड़ा सही है, वाई मतलब यस, बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई टू बी इन टाइम इन माई क्लास, इसीलिए मैं शुरू में क्वेश्चन करा के वेट कर रहा होता हूँ। ओके, तो मैं देख रहा हूँ लमसम सब गर्ल्स ने बहुत ही अच्छा किया है और आ गया है, ठीक है, तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस ई की पावर x, 1 माइनस ई पावर में x, देन फाइंड dy वाई बाई डी एक्स। ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन, धीरे धीरे मैं स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, 5-7-8 क्वेश्चन करेंगे आने का। वेरी गुड, गर्ल्स स्टडीज करने लग गई है, और मैं आपको बता दूं पूरे देश का दारोमदार गर्ल्स पे ही है और वो आप ही पे है, इसीलिए ध्यान दें और अच्छे से स्टडी करें, एक एक क्लास ये समझ जाओ। मैं आपको 100 लेक्चर मिनिमम मैं आपको कैलकुलस पे ही देने जा रहा हूँ, तो ये समझ जाओ 100 में लेक्चर में आप क्या क्या सीख जाएंगे। अभी मेरा सेकंड थर्ड ही है बस, ठीक है। ओके, गुड, नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर आना चाहिए, अगर आंसर नहीं टाइप हो पा रहा है तो डन लिख दे और मैचिंग करा दें, और हो जाए तो बेहतरीन है, नो प्रॉब्लम, जी जान लगा दें। हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, और ये समझ जाओ धीरे धीरे ऐड होते होते वो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी रैंक गुड आ जाएगी, यही होता है। ट्राई अगेन, कोशिश करो, सबका सही होने वाला है बहुत ही आसानी से। y इज इक्वल टू अंडर रूट में दिखाई दे रहा है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, रूट के अंदर है, तो मुझे लग रहा है सब मेहनत कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है टीचर के लिए। तो y डैश फाइंड करना है, स्टेप मैंने पिछली क्लास में बताई दी थी, तो अपने डायरेक्ट लिखेंगे, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, पहला रूट का काम तमाम। और अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो क्या करोगे, एक स्टेप लिख दोगे, वो स्टेप क्या है भाई, रूट का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन कौन है, 1 प्लस ई की पावर x, 1 माइनस ई की पावर x, इसमें भी बहुत स्टेप है, अपने इसी से काम चला देते हैं, ये रूट वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो 1 अपॉन 2 सबने कर लिया, ऊपर आ गया 1 माइनस ई की पावर x, ऊपर चला जाएगा, उसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नीचे वाले की स्क्वायर, डिनोमिनेटर की स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, e की पावर x, बोर्ड में तो ये भी बताना होता है किसका डेरिवेटिव है, मैं लिख नहीं रहा, माइनस ऊपर वाला
नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस ई की पावर x का माइनस ई की पावर x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ओके अब थोड़ा बहुत कैंसिल आउट कर लेना, क्या ये देखो प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x कैंसिल, ई की पावर x कितनी बार, दो बार, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x, 1 प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर x 2 टाइम था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे हिसाब से सबका आ रहा है, एक बार रिवीजन चल रहा है अपने रूल का। ओके गुड गुड, सभी पढ़ के आए हैं भाई, सारी इंटेलिजेंट गर्ल तो इंडिया की इसी आज ही की क्लास में है भाई, अब क्या करूं। अगला क्वेश्चन, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस 5 ऑफ एक्स, कि एक्स का लॉग 5 बेस पर, फिर उसका लॉग 5 बेस पर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तुक्का मारने के लिए चार ऑप्शन, तुक्का मारने के लिए चार ऑप्शन। ओके किसी की कोई बात रह गई है चिंता ना करें, फिर बता दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने लेते रहेंगे, यहीं से सोचो, जो लोग लेट आए हैं वो यहीं से मान के चलें कि उनकी क्लास शुरू हो रही है। गुड ट्राई करो। लॉग 5, एक हिंट मैं आपको देता हूं जो बहुत जरूरी है, बार बार काम आएगा, दूसरे अखिलेश सर आपको लॉग पढ़ाएंगे तो लॉग के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉग का बेस याद रखो डेरिवेटिव का ई होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो इसके लिए मैं साइड में एक फॉर्मूला बता देता हूं, लॉग एम बेस एन का, और ई बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लॉग एम अपॉन लॉग एन, और बेस कितना ले लेंगे हम इसका, ई, और आप जान लें ई बेस वाले लॉग को एलन बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, यानी एलन एम अपॉन एलन एन। ये मैंने क्यों बताया, ये कहां से आया, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लॉगरिथम की होती है, पर आप चिंता ना करें, आपको बेसिक जो स्पैरलली कोर्स के साथ पढ़ाया जा रहा है, बेसिक मैथ्स जो स्पैरल 3 लेक्चर चल रहा है वहां बताया जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन लॉग एन, इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, और बेस कितना ले लेंगे, ई, हर जगह ई बेस वाले को बोलते हैं एलन, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी काम आता है, ठीक है। तो पहले क्या करो, बेस को ई बनाओ, फिर डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, हिंट मैंने दे दिया, ट्राई करो, आंसर्स भी आने लग गए हैं, बाकी भी ट्राई करो, हिंट मैंने दे दी जो जरूरी थी, फिर भी नहीं बनेगा तो मैं हूं बताने के लिए, डोंट फिक्रंदा। और अगर किसी से बेस चेंज नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ मैं हूं, लॉग बेस 5, देखो तो ये बाहर वाला लॉग है, इसको एलन लिख देते हैं, और अंदर वाले को क्या लिख देते हैं, एलन एक्स अपॉन एलन 5, और बाहर वाला लॉग है उसको लिखेंगे एलन, और नीचे लिख देंगे एलन 5। क्या ये स्टेप सबको पकड़ में आया, इसका बेस कितना है 5, तो लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ 5, और कितने बेस पर, ई, एलन लिखते ही बेस कितना हो जाएगा, ई, क्लियर है सबको। ओके सबको आ गया, और अंदर वे में लॉग एक्स टू दी बेस 5, फिर मुसीबत, तो मुसीबत कैसे सॉल्व होगी, इसको लिखेंगे एलन एक्स अपॉन एलन 5। अब छोटी सी बात है, अब छोटी सी बात है सबको आई है, वो क्या, एलन एक्स अपॉन एलन 5, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, log m माइनस log n, log m कौन है, ln x, log 5, जब तक इजी ना हो जाए हम हाथ नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को, अपॉन में ln 5। अब डिफरेंशिएट करो, क्या आपको फील आया ये वाला मेथड, क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान दें, log 5 है तो log अपॉन log 5, log x टू दी बेस 5 तो ln x अपॉन ln 5, फॉर्मूला होता है ln m अपॉन ln n, ये बार बार ध्यान दो को,
और फिर log m अपॉन n, log m माइनस log n, गुड, सबको लमसम आ गया है। अब करो इसका डिफरेंशिएट, अब करो इसको डिफरेंशिएट, ट्राई करो, देखो अब डिफरेंशिएशन में कोई दम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। क्या हुआ, सबको आया log m अपॉन n, log m माइनस log n, देखो ये रहा नीचे log 5 एज इट इज, ओके ये आ गया, सिंपल है, log m अपॉन n, log m अपॉन n। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो log आपके बोर्ड कोर्स में नहीं है, log का कितना बड़ा यूज है, इसलिए स्टडीज करवाया जाएगा। नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ऐसे याद रखो, log m अपॉन n, ln m अपॉन ln m, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे ln, ln लिखते ही बेस कितना हो जाएगा 5, बेस कितना हो जाएगा e अपॉन ln 5, अंदर वाले को भी लिख देंगे ln x अपॉन ln 5, ओके log का जो फॉर्मूला होता है उसका बेस जब e है तभी उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, सबसे बेस्ट चीज, इसीलिए हम अधिक फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते, इसलिए कन्वर्ट कर लिए हैं, ओके। अब बारी आती है डेरिवेटिव की, तो वेरी इजी, ln ln x, तो ln का होता है 1 अपॉन ln, और ln x का कितना होता है बेटा 1 अपॉन x, ln ln 5 कांस्टेंट कितना 0, और नीचे बाहर कांस्टेंट है एज इट इज, तो 1 अपॉन x ln 5 आंसर आ गया, सबका क्लियर है, इजी। तो थोड़ा सा लॉग आप और स्टडी कर लेंगे तो और बेहतरीन आ जाएगा, सबका सही होने वाला है। अब मैं देख रहा हूं सबको आ गया है, कुछ मीठा हो जाए, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में क्या है, एफ माइनस वन से वन में आर में डिफाइन है, इसके बहुत फिक्र नहीं, एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन दे रखी है, माइनस वन दो बार है, फिक्र ना करें, वो ऐसे जीरो इक्वल टू दो बार दिया है, बाई मिस्टेक है। एफ डैश जीरो कितना दे रखा है, वन, मैं साइड में लिख देता हूं, एफ जीरो कितना दे रखा है माइनस वन, और एफ डैश जीरो कितना दे रखा है वन, और जी एक्स आपको ये दे रखा है, क्या जी एक्स इजकल टू एफ के एंगल में कितना 2fx+2, घबराए नहीं, थोड़े से कॉम्पिटिटिव अब होने जा रहे हैं, इससे पहले बोर्ड टाइप था, थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं, कॉम्पिटिटिव, ओके। इसका डेरिवेटिव बताना है जीरो पर, बहुत इजी क्वेश्चन, f के एंगल में 2fx+2 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ट्राई, सिंगल लाइन प्रॉब्लम, देखें कितने लोग सही कर पाएंगे, तुक्का मारने के लिए चार ऑप्शन भी है, ट्राई करो ट्राई करो, गुड गुड, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी क्वेश्चन, बट याद रखो सब बच्चों, सब गर्ल्स को ध्यान होना चाहिए, चेन रूल किसी भी हालत में आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड चेन रूल, ये दो आ गए तो कोई भी रूल आपको 100% आने वाला है, क्योंकि सब इसी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बस इसको अच्छे से पकड़े हैं, देखे कितने लोग परफेक्टली आंसर देने वाले हैं, यस, ट्राई करो ट्राई करो, टाइम लो, टेक योर टाइम टेक योर टाइम, ट्राई ट्राई अगेन ट्राई ट्राई अगेन, टेक योर टाइम, मजा तब आएगा, जेई मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन 2008-09 के आसपास का, गुड गुड गुड। एक घंटे की ये क्लास और आपकी है लाइफ चेंजिंग क्लास, यहां पर वो मैथ सीखोगे जिसके बारे में आपने सपना देखा था, और साइंस, फिकर नॉट, एफ जीरो दे रखा है, एफ डे जीरो वन दे रखा है, और जी एक्स ये दे रखा है, तो क्या होगा, आंसर का वेट कर रहे हैं, ट्राई करते रहो, इक्का दुक्का नहीं भी आए घबराओ मत,
100% तो किसी को नहीं आ सकता, वो तो भगवान है। ट्राई करते रहो, कुछ तो आएगा, कोशिश करने वाले ही जीत पाते हैं। देखे कितने लोगों ने आंसर देना तो शुरू कर दिया है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो सबसे बाहर है स्क्वायर, स्क्वायर का 2 पीछे लाओ, स्क्वायर में से एक घटाओ, 2 को पीछे लाओ, 2 में से एक घटाओ, यानी एक माइनस किया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। मैं जब पहली बार बताता हूं, आप समझो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग पकड़ पाते हैं। स्क्वायर का काम तमाम। नेक्स्ट, अब अंदर जाएंगे, अंदर कौन है, बाहर एफ, एफ का एफ डैश, चेन रूल है, पहले स्क्वायर है, फिर एफ है, फिर एंगल है, एफ का एफ डैश, क्लियर। फिर एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे, 2 का 0, 2 एफ एक्स का होगा 2 एफ डैश एक्स, 2 का 0, 2 एफ डैश एक्स, गॉट इट, गॉट इट। आंसर सबका डिफरेंट आ रहा है, आंसर सेम आना चाहिए। अब कितना वैल्यू रखना है ये सोचने की जरूरत है, वो है 0। एकदम कूल टाइप डीलिंग करेंगे, 0 रखेंगे तो एफ 0 की वैल्यू -1, यहां मैं 0 रखूंगा तो ये -1 यानी -2, 2 - 2 0, यानी दोबारा एफ 0, और एफ 0 की वैल्यू कितनी है -1। फिर यहां पे मैं 0 रखता हूं तो एफ 0 कितना -1, यानी 2 - 2 0, एफ डैश 0, एफ डैश 0 कितना 1, ये भी एफ डैश 0, ये कितना 1। आंसर मल्टीप्लाई करो -4, चेक करो। आंसर आ रहा है कितना, बी -4, चेक चेक चेक, बी -4। ध्यान से देखो कहां गलत हो गया, आपने कहां मिस्टेक किया है। ये एंगल हर बार 0 ही हो रहा है, एफ डैश 0 कितना है 1, एफ डैश 0 कितना है 1, एफ 0 कितना है 1। बार बार समझना नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके बात को पकड़ना। आंसर -4 - 4 यानी बी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूं लमसम, क्योंकि देखो एक ही बार आप समझ जाए, क्योंकि ये जो है ऐसा स्क्रीन है जहां पर एक बार डिलीट हो गया तो हो गया, फिर पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और कुछ नहीं। तो सबने पकड़ लिया है बात को, गॉट इट, गुड गुड गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ एफ डैश एक्स इजकल टू रूट में 2x² - 1 एंड y इजकल टू एफ एक्स स्क्वेयर, देन dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है x = 1 पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा पूरी कॉन्सेंट्रेशन, देखो आप पहले अगर सोए रहेंगे जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप अपने में खोए रहेंगे तो बात मिस हो जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको पूरी बात ध्यान से सुननी है, नहीं तो क्या होगा, फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्राई करो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत मौके हैं, मारेंगे चौके। वेरी गुड वेरी गुड, लमसम सही कर रहे हैं, इक्का दुक्का कोई कभी फंस जा रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं, उनको भी घबराना नहीं है, आपस में बस फाइट करते रहो, आंसर बताते रहो। गुड गुड, सबका सही आ रहा है, यही तो मजे की बात है, लगे रहो। एफ डैश एक्स अंडर रूट 2x² - 1 y = fx² dy/dx, ठीक है, ट्राई करो। एक ये दे रखा है आपको, सबसे अच्छी बात है कि तुमने आते ही गुड परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे तो एडवांस लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कई गर्ल्स कह रही हैं सर आपने हमसे इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, हमारी तो रेस्पेक्ट खराब हो गई। ऐसा नहीं है, इसमें भी लोग गलती कर सकता है। वेरी गुड, आंसर आना शुरू। कई लोग कह रहे हैं
ये एफ और जी क्या है भाई सर, ये एफ और जी क्या है? तो एफ एफ ही है, मैं देखो कितना आसानी से डील करूंगा। कई लोग जो अनकंफर्टेबल है वो भी कंफर्टेबल होने वाले हैं। वाई डैश एफ का क्या होगा? एफ डैश एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। एफ का एफ डैश चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का 2x। हम चाहें तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की जगह यहां रख सकते हैं, पर मुझसे एक्स की टर्म में आंसर नहीं पूछा। मैं थोड़ा लेजी हूं, आलसी हूं, और आप जानते हो आलसी होते ही आविष्कार हो जाता है, आलसी लोग ही आविष्कार करते हैं, याद रखो। ओके तो क्या पूछा है? वन रख दो भाई, तो वन रखूंगा, 2 × 1 2, यहां रखूंगा एक्स की जगह वन, तो एफ डैश वन। अब ये एफ डैश वन कहां से मिलेगा भाई मुझे? यहां पर मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा? वन। वन रखते 2 − 1 वन, वन का रूट वन, यानी 2 × 1, आंसर कितना? 2। वेरी इजी। बी कैसे हो गया? आंसर तो ए हुआ जी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सबसे आने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाने वाले हैं। ओके तो यहां तक सबको आ गया, फिर पूछूं आगे क्या करूं? क्वेश्चन देख के कई मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो कहते हैं, अरे सर आप फिर आ गए क्वेश्चन की बोझार लेके, जीना मुश्किल करके। पर मैं इतना जीना मुश्किल करूंगा अभी 1 साल तक, कि अगले 1 साल के बाद जिंदगी भर आपको आराम रहेगा आईटीज एंड आईटीज में। ओके ये क्या है? वाई डैश एफ का एफ डैश, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स की जगह कितना रखेंगे? 1। 2 × 1 2, एफ डैश 1, 2 × एफ डैश 1, एफ डैश 1 यहां से आएगा, एक्स की जगह 1 रख दो, जो भी पूछे 1 रखेंगे, 2 − 1 1, 2 × 1 2। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मजे की बात, यही मैं सुनना चाहता था। तो ये ऐसा कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सब ये समझ जाओ, कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, मैं उससे नीचे बात नहीं करूंगा चाहे समय ज्यादा लगे। याद रखो टारगेट अर्जुन की तरह होना चाहिए, उसके सैनिक की तरह नहीं। उसके सैनिक क्या है? चिंदी चोर होते हैं, चिन्नी मिन्नी क्वेश्चन मार रहे होते हैं। हमारा टारगेट है अर्जुन की तरह, चिड़िया की आंख को दिखाई दे रहा है, सीधा मारा, उड़ा दिया, गेम खत्म। वाई इजकल टू एफ 3x + 4, एफ डैश एक्स इजकल टू 10x2। थोड़ा सा पिछले वाले का भाई पर उससे बेहतरीन, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ट्राई करो ट्राई करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्या होता है? एक तो गुड मॉर्निंग बोलना है, ऊपर से आधा घंटा लेट। टाइम की कीमत समझें, टाइम इज मनी, याद रखो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जिसके पास टाइम नहीं है स्टडीज के लिए, कैसे भी करके 1 साल डिफिकल्टी करके, कैसे भी करके क्लास में आप पढ़ लें, साल के बाद जिंदगी आपकी है, समय आपका है, नहीं तो वो आप पीछे छोड़ देंगे। इसलिए बोलते हैं टाइम इज मनी। बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो फंक्शन आपको तो दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, वाई इज इक्वल टू एफ के एंगल में क्या है? 3x² 3x + 4 अपॉन में 5x + 6। वेरी इजी। पहले बाहर वाले का करेंगे फिर अंदर वाले का। गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं होता मेरी क्लास में, ऑलवेज गुड मॉर्निंग होता है, जब जागो तभी सवेरा। अब देखो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा? एफ का। तो वाई डैश एफ का क्या होगा? एफ डैश एंगल में कितना? 3x + 4 अपॉन 5x + 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x + 4 5x + 6, ये आ गया।
नेक्स्ट लाइन अपने लिखना चाहेंगे, नेक्स्ट y डैश की अगर मैं बातचीत करूं तो देखो 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का मैं डेरिवेटिव करता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर u बाई वी में v का स्क्वायर v इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 5 डिवीजन रूल इंटू एफ डैश सेम रख देता हूं एक बार आपके लिए 3x प्लस 4 5x प्लस 6 वेरी इजी। अब देखो 5 इंटू 3 तो 3 15x 15x कैंसिल 6 इंटू 3 18 4 इंटू 5 ये क्या है 20 18 माइनस 20 ये है माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखो f डैश आपको दिया हुआ है x की जगह पुट कर देंगे ये रहा तो ये आ जाएगा 10 के एंगल में कितना 3x प्लस 4 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्या ये सबको आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर कौन सा सही है? आंसर है भाई कोई भी सही नहीं, आंसर होगा क्या, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये देखो 10x स्क्वायर तो एज इट इज है पर 10 में एंगल में पुट करना है। डी आंसर। बी कैसे हुआ? बी में देखो मिसिंग है माइनस 2 बाई दिस नंबर, नन ऑफ दीज। क्या आपको फील आ रहा है सब कुछ? ओके ओके ओके, आना ये चाहिए, बाकी ऑप्शन से बहुत चिंता नहीं है। ओके इजी है, यही सुनना चाहता था मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स, मैं थोड़ा बढ़िया से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। वाई इक्वल टू लॉग में ऐसा दिखाई दे रहा है साइन एक्स बेस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स पावर में कितना माइनस 1, तो एफ डैश पाई बाई 4 बताओ, यानी वैल्यू बताओ एफ डैश, डेरिवेटिव करो पाई बाई 4। गुड ट्राई, बस कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन और बनाएंगे फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके थोड़ा सा इसकी प्रेट, सबसे पहले ओ गड़बड़ हो रहा है क्या, बेस कितना है कोस, होना क्या चाहिए ई लॉग एम अपॉन लॉग एन, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सबको, पहले बेस चेंज करो फिर क्वेश्चन इजी है। रफ कॉपी लेकर टाइम लो, बड़ा क्वेश्चन है 2 मिनट लगेगी, फिकर नहीं है हमें को जल्दीबाजी कि आओ अभी 4 डालना है इसको, भाई कैसे होगा। तो क्या सबसे पहला स्टेप आपने लिख दिया है, क्या है ये एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कोस एक्स लॉग एम अपॉन लॉग एन, और बेस ई लेने का मतलब बताने की जरूरत नहीं, एल एन का बेस ई होता है, ये प्रैक्टिकल है, और ये उल्टा है, उल्टा है तो नीचे आएगा क्या एल एन कोस एक्स, ऊपर आएगा एल एन साइन एक्स। मैं स्टेप सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा क्या एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये भी 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स। ओके फिर भूल गए, लेट आने का यही नतीजा, देखो गर्ल लेट आई, स्टूडेंट हमारी लेट आई और उसको देखो पकड़ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसने बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं पकड़ पाए, उसको ध्यान होना चाहिए, ये मिस्टेक है, यही है, उसे शुरू से देखना चाहिए क्या लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स लॉग एम अपॉन लॉग एन,
इसको लिखेंगे log cos x अपॉन log sin x, और पावर माइनस वन है तो उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, तो ln cos x बाई ln sin x का उल्टा, ln sin x बाई ln cos x। अभी कुछ हुआ नहीं है, डेरिवेटिव अब होगा, प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए सबको। इसलिए कहता हूं मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, मेरी एक भी क्लास अगर आपने मिस कर दी तो याद रखो कैलकुलस पूरा मिस, 100 लेक्चर गाजीपुर चले गए। अब डेरिवेटिव करो, अभी डेरिवेटिव की पिक्चर बाकी है, बताने की कोई जल्दी नहीं। एक लाइन में डेरिवेटिव और उसमें पाई बाई फोर रखना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके गुड आंसर्स का, लेट आना आपका बहुत बड़ा लॉस है। जो स्टूडेंट लेट आते हैं या क्लासे मिस करते रहते हैं, याद रखो स्टडीज के लिए पहली प्रिफ्रेंस है, आपको और कोई बिजनेस पे ध्यान नहीं देना है, केवल वन ईयर के लिए। ओके, नहीं तो फिर लॉस आप ही का है, मैं देखो कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीजें आसान है उसके लिए जो डेली आता है, डेली कनेक्ट क्या है, ये गाजीपुर क्या है, इसकी डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे जब सारे स्टूडेंट रेगुलर हो जाएंगे। अभी अपने सीरियस स्टडी कर रहे हैं, बाद में कूल टाइप चलेगा, इसको बताऊंगा। देखो अब मैं बताता हूं, काफी टाइम हो गया। पावर को पीछे लाओ, पावर में से एक घटाओ, टू एल एन साइन एक्स अपॉन एल एन कोस एक्स। ओके, फिर एक और चीज समझो, बोर्ड में बहुत ही लो लेवल है, शुरू के एक दो क्वेश्चन जैसा, तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो घबराए नहीं, हो मैदान छोड़ने लगते हैं लोग। अब u by v, पावर का काम खत्म, u by v नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ln sin x का होगा नीचे sin ऊपर cos, यानी हो गया cot, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे cos ऊपर माइनस sin, माइनस माइनस प्लस 10x। चेक करो ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या ln cos का करना है तो क्या होगा, 1 अपॉन cos और cos का माइनस साइन, तो ये माइनस 10 हो गया, ये माइनस क्या हो गया 10, और माइनस 10 की अगर आप बात करो तो मैंने या माइनस माइनस प्लस। ln sin का बात करें तो 1 अपॉन sin, sin का cos, cot। अब कितना पुट करना है, पाई बाई फोर, सबको पता है ln पाई sin पाई बाई फोर, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू कैंसिल आउट, तो आंसर की बारी आती है यहां पे, मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू, ये 1 है लिखने की जरूरत नहीं, cot पाई बाई फोर, 10 पाई बाई फोर होता है 1, ln 1 बाई रूट टू, ln 1 बाई रूट टू कितनी बार, दो बार, ln 1 बाई रूट टू कितनी बार, दो बार। नीचे देखो ln 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, कितना आसान था, देखो पाई बाई फोर पर देखो ln 1 बाई रूट टू, ये भी ln 1 बाई रूट टू, ये भी ln 1 बाई रूट टू, ये 1, ये 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। फाइनल क्या आंसर आया, ऊपर 4 ln 1 बाई रूट टू डिनोमिनेटर में, ये है आंसर। कितना इजी था, नी पावर को पीछे लाओ, पावर में से एक घटाओ तो 1 ही बचेगा, फिर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, कौन, ln sin x का डेरिवेटिव cot x, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का माइनस 10x, तो माइनस माइनस प्लस, पाई बाई फोर रख दो, log 1 बाई रूट टू, 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 कट गए ये दोनों 1। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बट कैलकुलेशन की मिस्टेक आपके अंदर भरी हुई है। जब भी आपका आंसर सब चीज सही होते हुए भी गलत हो रहा है, क्या नया किया बताओ, मैंने u बाई वी बताया हुआ है, पावर बताई, प्रैक्टिस, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब यहां पर वे मैन है ही नहीं तो बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन परफेक्ट। कैलकुलेशन तो सीखनी ही पड़ेगी, कोई और शॉर्टकट नहीं है। देखो इसलिए मैंने कहा क्लास में भी आते रहोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे।
बार बार याद रखो, किसी चीज को 5 बार समझ लेने से आपको लगता है कि आपको बहुत आ जाएगा, तो ये बहुत ही गलत फहमी है। वो खुद की प्रैक्टिस करके गलती रियलाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, fx इज इक्वल टू ln साइन टेन इनवर्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई टू, फाइंड f डैश वन। वेरी इजी क्वेश्चन, सब ट्राई कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर रूल चेंज करेंगे अगले 10 मिनट्स के लिए। मैं जान करके इस चेन रूल पे इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि ये आना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसके बगैर गेम नहीं होने वाला है आगे कहीं पे भी। ln साइन टेन इनवर्स एंगल में, ये वेरी इजी क्वेश्चन, 1 रख के वैल्यू बतानी है। ट्राई करो, गलत होने दो। गलती जो गलत करता है वही तो गलत करता है, जो नहीं करता उसका क्या गलत है, उसका तो वैसे ही सब कुछ गलत है। ठीक है, तो ट्राई करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश नहीं करेंगे देख के ही, बहुत लोग तो मैथ्स का क्वेश्चन, ओ मैथ्स का क्वेश्चन कांपने लगा, फैल गया, देखते ही फैल गया। अब क्वेश्चन लगाओगे तभी तो आएगा। मैं जब तुम्हारी जगह था, जेई की तैयारी करता था, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन लगाता था, जो नहीं फील आता था फिर उसको ट्राई नोट कर लेता था, फिर ट्राई ट्राई ट्राई। डेरिवेटिव बड़ा इजी है, अच्छी चीज तब होगी जब आप इसका आंसर सिंपलीफाई करके बताएं, जितना बेहतरीन हो सके। आंसर की चिंता नहीं है, आंसर बड़ा इजी फॉर्म में होता है, सबको पता है। ओके, स्टेप वन तो सबने लिख ही लिया होगा। स्टेप वन क्या है, एफ डैश एलन का करेंगे तो 1 अपॉन साइन। थोड़ा हिंट भी दे दें, इतना तो सबने कर ही लिया होगा। अब बोर्ड होता तो पहले इसका लिखते, फिर डेरिवेटिव इसका, फिर इसका, ऐसे करके 4 लाइन, पर हम एक ही लाइन में लिख देंगे e की पावर एक्स। आराम से बता रहा हूँ, सीखो सब लोग, ये तो सबने किया ही है। एलन का काम तमाम। अब कौन आया, साइन, साइन का होता है कॉस, कॉस टेन इनवर्स। एलन का काम तमाम, साइन का कोस, फिर आया टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x² ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। प्लीज चेक द आंसर, सही है, परफेक्ट है, 4 अपॉन ln 1/√2। ये सब क्वेश्चन इससे पहले मैं 1,00,000 बार करवा चुका हूं, एक बार बस और करा रहा हूं। टेन इनवर्स का काम खत्म, एंगल का करो। एंगल का आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई टू। क्यों, 1/2 एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस x का माइनस पीछे। ये सबने कर लिया होगा ना, पर आप समझदार गर्ल्स हो, कैसे कह रहे, कैसे सर हम समझदार हैं, ये आपको कैसे पता लगा। वो ऐसे कि आंसर इतना बड़ा नहीं होता, सबको पता है सिंपलीफाई होता है। तो कोस को नीचे लेके जाओ, एक दो स्टेप और लिखते हैं। कोस, ये एंगल सेम है तो कोस नीचे जाएगा, तो कोस अपॉन साइन कोट, कोट का नीचे लेके जाओ टेन, तो टेन से टेन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। वेरी इजी, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, कोट नीचे गया तो टेन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। इधर एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, यहां तक तो सबने लिख दिया,
नीचे आंसर थोड़ा इजी फॉर्म में होना चाहिए था, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4, एलसीएम लेंगे 4, और ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, वेरी इजी। ओके, 10 से 10 इनवर्स कट गया, तो यूं सोचो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2 अपॉन, बस आंसर के बगल में हो, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 4 अपॉन ये। ये देखो पांचवी क्लास में एक फॉर्मूला था, फिफ्थ क्लास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, मतलब ई की पावर एक्स ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज। अब देखो सब कट गए, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर से ये कैंसिल, ये एक बार ये दो बार, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फाइनल आंसर क्या आया पता आपको, ऊपर क्या बचा 4, ऊपर क्या बचा 4, और नीचे आ रहा है ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x, 1 रख दो, 4 अपॉन ई स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर, एलसीएम ले लेना वो तो हो ही जाएगा, चेक करो, ये दोनों कैंसिल, ये रहा 2 ऊपर चला जाएगा, ये रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा। अब इतना छोटा सा आंसर होगा न कि ये पहाड़ जैसा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर घबराएं नहीं, मेरी आदत है शुरू में आपको कैलकुलेटिव ही बना दूंगा ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, अगर 90% भी पकड़ ले रहे हो 80% तो भी कुछ अब काम चल जाएगा आपका। अब 1 रखना था लास्ट में, तो अब 1 रखने में क्या है, ई स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 4 ई स्क्वायर ई पावर 4 माइनस 1। क्वेश्चन में कहीं डिफिकल्टी नहीं है, बस गलती ये होने वाली है कि ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। पहले किसका किया, एलन का 1 बाई साइन, साइन का कोस, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का ये रहा, कोस बाई साइन क्या होता है कोट, कोट नीचे गया तो 10, 10 से 10 इनवर्स कट गया, एलसीएम लेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इजी है, प्रैक्टिस। अगला रूल आने से पहले लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं उलझाते, एक क्वेश्चन पे अपने रुक जाते हैं, ठीक है। अगला रूल समझने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, y इज कल टू साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज और बता दूं, मैंने आपको 2 DPP दिए हैं, DPP 1 तो सबसे ऐसे ही बन जाएगा, वो तो रूल की प्रैक्टिस है जैसे हल्के वाले क्वेश्चन, और दूसरा डिफरेंशिएशन का कॉम्पिटिटिव DPP है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है सब। ओके, तो इसका डेरिवेटिव देन d1 - x² d2y / dx2 - x dy / dx क्या होगा, इजी क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं, वेरी इजी, सही जा रहे हैं सब लोग, लगभग लोग पकड़ ले रहे हैं, तो ये गुड गर्ल्स की निशानी है, थोड़ा सा ट्राई करें, 2 बार डेरिवेटिव करना है, जैसे 1 कर सकते हैं वैसे 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत लोग हायर डेरिवेटिव एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, साथ में बताता जाऊँगा। ओके, ट्राई करो, 1 टाइम करो फिर 2nd टाइम। इतनी देर में आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो कर ही लिया होगा, वो है dy / dx, साइन इनवर्स का पावर पीछे 2 sin inverse x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon √(1 - x²), 2 cos inverse x पावर पीछे, कॉस इनवर्स का बीच में आएगा माइनस, पहला स्टेप सही होना चाहिए। ओके,
क्या हुआ, टू पीछे पावर में वन साइन इनवर्स का ये रहा वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू पीछे पावर में वन कॉस इनवर्स का होता है माइनस में। थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, जल्दी बातचीत मत करते जाओ, जल्दी करोगे तो जेई से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें गाजीपुर जाना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। कह रहे हैं फिर गाजीपुर, इसको सस्पेंस रखेंगे। अब ध्यान से देखो, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ है, इसका समझदारी यही है कि इसको एक बार इधर ले आएं और फिर डिफ्रेंशिएट कर दें तो मजा आ जाएगा। देख करो, मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ थोड़ा जम भी रहा है, थोड़ा इसको देखते रहा करो क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, टू साइन इनवर्स एक्स टू कॉस इनवर्स एक्स। अब ट्राई करो, टू पीछे पावर में वन साइन इनवर्स का रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कॉस इनवर्स, ये रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला और इधर सीधा करके देखो आंसर आने वाला है, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, देखें कितने लोग अभी भी बता पाएंगे, हिंट मैंने आपको दे दिए है, टू साइन इनवर्स का ये रहा वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कॉस इनवर्स का वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, इधर ले आएंगे। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, यू इंटू वी, यू इंटू वी, यू इंटू वी कैसे आएगा, अब जिनका नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वाई डैश का अगला डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट का होता है वन अपॉन टू रूट और वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, तो टू कट जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही मेन स्टेप है। क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू एज इट इज रूट एज इट इज, फिर रूट का होता है वन अपॉन टू रूट और वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, टू टू कट जाएगा। टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नेगेटिव होता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टू बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओवरऑल हो गया फोर बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, रूट अंडर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इंटू दिस और ये इंटू ये कट जाएगा, और देखो यही टर्म आ रहा है और इसकी वैल्यू इधर कितनी बच जा रही है, 4, आंसर है 4, आंसर हो गया सी। चेक 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 चेक, ए नहीं आएगा, इसका भी नेगेटिव होता है इसका पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कटेगा नहीं प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना 4, 4 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस नंबर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, आंसर है सी। सब कॉम्पिटिशन में आए हुए गुड क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो और भी हाई स्टैंडर्ड के हैं, पर अभी क्या है अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो मैं देख रहा हूँ सबने बता दिया, दो बार मैंने भी बता दिया, ये आ गया, ठीक है। अब एक बार रीट्राई करना, फिर नहीं आया तो फिर पूछना, ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ नया सिखा देता हूँ, बोर हो गए होंगे। अगला आता है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अपने सामने आता है मेथड ऑफ लॉगरिथम्स, ये क्या है भाई, लॉग लेकर डिफरेंशिएट। देखो आप ध्यान से देखो, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
कि जब आप डेरिवेटिव की बातचीत करते हैं तो सोचने की क्या जरूरत है कि प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। तब ऐसी जगह अगर आपको आना आता हो लॉग लेना, तो क्या होगा, सब प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएंगे और इजीली सेपरेटली डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई स्पेशल सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आपको जानना है, मेरी तरह सोचना है कि ये बस मैंने नाम लिख दिया है, नया कुछ नहीं होने वाला, जो अब तक पढ़ा है वही चलेगा। वो कैसे, कुछ सिखाता हूँ आपको। मेथड नंबर वन, तीन चार तरीके हैं, दो से तीन मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहला देखो जी, अगर कोई फंक्शन y इजकल टू, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, प्लस में है तो कोई लॉग का मतलब नहीं है, किस में दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट में, f1 इंटू f2 इंटू f3 प्रोडक्ट में भी है, डिवाइड में क्या है, f4 है उसमें भी, एक और भी हो सकता है, कोई जरूरी, और ये समझ जाओ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर में कोई कांस्टेंट नंबर n है। अब अगर आपके सोचो तो आपके पास कुछ नया नहीं सीखने की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए, क्या u बाई v लगा दो, पर u बाई v में क्या होगा, इसका स्क्वायर, फिर इसका जब करोगे तीन तीन बार लिखोगे, कहीं गलती हो गई, चांस खराब हो जाता है। तो ऐसी जगह क्या करते हैं, बस लॉग ले लेते हैं, लॉग लेके क्या करेंगे, सबको अलग, फिर उसके बाद कोई लॉग का फॉर्मूला नहीं है, फिर समझ जाओ मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल सी बात, जिनको लॉग नहीं भी पढ़ा है उनको याद रखना पड़ेगा, लॉग पढ़ेंगे और बेहतरीन होगा, कि दोनों तरफ लॉग लेने से मल्टीप्लाई के नंबर तो प्लस में आ जाएंगे, यानी लॉग एफ वन प्लस लॉग एफ टू प्लस लॉग एफ थ्री। ई बेस पर ही लॉग लेना है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ln x का 1 बाई एक्स वो ई बेस पर ही है। तो इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग माइनस इसका लॉग और पावर पीछे, यानी डिवाइड वाले माइनस में लिख देने, मल्टीप्लाई वाले प्लस में, तो माइनस n ln f4 ये आ गया। अब लॉग लेने के बाद लॉग मेथड कुछ है ही नहीं, कोई कह दे कितने मेथड है, बस वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कैसे, लॉग वाई का क्या होता है, वन बाई वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कौन सा रूल लग रहा है भाई, चेन रूल, नया कुछ है ही नहीं। लॉग वाई का वन बाई वाई, वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एफ वन का वन बाई एफ वन, एफ वन का क्या होगा, एफ वन डैश, लॉग एफ टू का क्या होगा, 1 अपॉन f2, f2 का क्या होगा, f2 डैश। बिल्कुल ऐसे ही सब चलते रहेंगे, 1 अपॉन f3, f3 डैश, कितने भी हो। कितना आसानी से हो गया, log का किया 1 बाई f, फिर f का f1 डैश। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, टेक्निक है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में log लेंगे और सिंपल चेन रूल से डिफरेंशिएट। लास्ट स्टेप सबको अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा, वो क्या, वो लिख भी देता हूँ, y डैश चाहिए, y को उधर ले जाएंगे और ब्रैकेट में सेम नंबर लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत, तो रूल बड़ा ही कॉमन है, क्या सबको समझ में आया। तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ छोटा सा, यस सर लिख देना चाहिए फटाक से, कोई रूल नहीं है, मल्टीप्लाई वाले प्लस में आ जाएंगे, डिवाइड वाले माइनस में। ओके ओके ओके, ओके, ट्राई दिस प्रॉब्लम, गुड 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 रिस्पॉन्स। सबसे पहले लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई का लॉग प्लस में आ जाएगा, डिवाइड का लॉग माइनस में, फिर भूल जाओ कि लॉग का कोई मेथड है, डिफरेंशिएट करोगे लॉग वाई का वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, लाइक दिस, लॉग एफ वन का वन बाई एफ वन, एफ वन का एफ वन डैश। ये फर्स्ट प्रॉब्लम,
एकदम रूल को समझने के लिए, वाई इज कल टू 2x + 1 का क्यूब एक्स माइनस 1 का पावर 1/3 अपॉन 10x इंटू ln x, इजीली सबसे बनने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम जो लोग कह रहे हैं रिपीट करें तो एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन ऐसे बताया। बिना लॉग लिए क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो सकता है, पर डबल टाइम लेगा, ये समझो। इसको अभी याद रख लो, लॉग पढ़ाया जाएगा। अब देखो धीरे धीरे, जो 11th क्लास में कुछ बेसिक चैप्टर जो आपके बोर्ड में नहीं होते हैं वो अगर आपके मिसिंग हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए फिक्र ना करें, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। लेट आने की भरपूर कोशिश ना करें, टाइम टू टाइम आए, ठीक है? ट्राई करो ट्राई करो, नहीं आएगा फिर बताएंगे अगली क्लास में, यहीं से शुरू करेंगे। फिकर नॉट। सबसे पहला स्टेप जिसको फील नहीं आ रहा था उनके लिए भी बता देता हूं, वो क्या है? दोनों तरफ लेना है लॉग ln y पावर पीछे ln 2x + 1। सबको बताया था पावर को पीछे लाओ, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, इसका लॉग लेंगे पावर पीछे ln x माइनस 1 अपॉन इसका लॉग और इसका लॉग, तो इसका लॉग भी माइनस में, इसका लॉग भी माइनस में, माइनस ln 10x माइनस ln x। क्या तीन रूल होते हैं, रट डालो जब तक लॉग नहीं आता, अभी फिलहाल यही बोलूंगा और लॉग समझेंगे तो कुछ जीरो बात है ये। इसका लॉग प्लस इसका लॉग माइनस इसका लॉग माइनस इसका लॉग, तो लॉग लॉग एक्स लॉग 10x, पावर हमेशा पीछे ले आना है, तो 1/3 पीछे 3 पीछे, हो गया सॉल्व। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश यानी dy/dx, इसका होगा 3 अपॉन लॉग का होगा 1/2x + 1, 2x + 1 का कितना 2, 1/3 लॉग एक्स माइनस 1 का 1/x - 1, एक्स माइनस 1 का 1 लिखने की जरूरत नहीं। लॉग 10x का क्या होगा 1/10x, 10x का क्या होगा सिकेंड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो चेन ही रूल लग रहा है, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। लॉग टेबल भी बताई जाएगी पर लॉग और रिथम चैप्टर में हम स्टडी कराएंगे, इस चैप्टर में नहीं। डिफरेंशिएशन में लॉग टेबल का कोई यूज नहीं है। ln x का 1/ln x, ln x का क्या होगा 1/x, हो गया सॉल्व। क्या सबका आ गया? y को इधर लिख देना और y की वैल्यू दोबारा यही लिख देना और ये आ जाएगा। क्या यहां तक सबको आ गया? तो ये है रूल, बढ़िया प्रैक्टिस, फिर बता दूं नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, टाइम लेंगे एक एक क्वेश्चन पे, तब आपको आएगा, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है। तब तक आप DPP 1 2 क्वेश्चंस बनाओ, बनेगा। ओके कुछ लोग, कुछ एक दो चार लोगों को मैंने देखा कम समझ पा रहे हैं, तो थोड़ी सी हल्की बुक लेके प्रैक्टिस करो, पढ़ के आओ लॉग का मेथड क्या है। अगली क्लास में पूरी प्रैक्टिस में लॉग पे ही कराऊंगा, थोड़ा सा उनको पढ़ के आना पड़ेगा, ये एक दिन में उनकी कमियां दूर नहीं होगी, टाइम लगेगा। ओके बाकी हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू, ट्राई करो DPP नंबर 2।